सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अदर वीडियो। आई होप कि तुम सब बढ़िया ही होगे। अब देखो, इस वीडियो के अंदर जो आज का पर्पस हमारा बन चुका है अभी के टाइम पे, वो होता है लैगिंग मूवमेंट के ऊपर। अब देखो, ऐसा नहीं है कि कैसा लैगिंग मूवमेंट अपने गेम के अंदर कैसे दिखाई देता है। अब ये सारी चीजें तुम लोग को पता ही होगा कि जैसा कि तुम लोग ने वीडियो भी देख चुके हो, क्योंकि हाँ, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही तुम लोग को लैगिंग मूवमेंट दिखा दिया था। अब कई सारे बंदे इससे आकर्षित होते हैं एंड कई सारे बंदे इससे गेम को देखकर सामने वाले बंदे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना चालू कर देते हैं एंड कई सारे बंदे ऐसे बंदे लोगों को प्रो प्लेयर समझने लगते हैं। तो खैर, ये सब छोड़ो क्योंकि ये सब सारी चीजें रियल है, क्योंकि बंदे हमेशा ट्रस्ट करते हैं उनके गेम प्ले से एंड उनकी परफॉर्मेंस से। कि जितना ही ज्यादा डेंजरस लेवल का तुम लोगों को गेम प्ले दिखाई देता है, उतनी ही आसानी से तुम लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट आना बड़े बड़े प्लेयर के शुरू हो जाते हैं। अब देखो, मूवमेंट भी एक अच्छा तरीका है अपने गेम के अंदर का परफॉर्मेंस चेंज करने के लिए एंड लैगिंग मूवमेंट उससे भी बहुत ही अच्छा तरीका है, जिससे तुम लोग का गेम प्ले और भी ज्यादा खतरनाक दिखाई देता है। बट ऐसे भी मूवमेंट का क्या फायदा एंड ऐसे लैगिंग का क्या फायदा जिससे तुम लोग को सामने वाला एनिमी खुद ही मार के चले जाए। अब कई सारे बंदे तुम लोग को अलग अलग से लैगिंग मूवमेंट बताने का तरीका यूज करवा हैं या फिर दिखाते हैं, बट अगर रियलिटी में देखा जाए ना, कई सारे लाइक कुछ इस तरीके से। अब कई सारे बंदे बोलते हैं इस तरीके से तुम लोग अगर मूवमेंट करोगे तो तुम्हारा ऑब्जर्व में इस तरीके से दिखाई देगा। अब देखो यार, तुम लोग का देखने का तरीका अलग अलग से हो सकता है, बट अगर तुम लोग वाकई में अगर इस तरीके से मूवमेंट अगर अपने सामने वाले एनिमी के ऊपर करोगे ना, 100% है कि गाइस यार तुम लोग का ना वन शॉट ही लगेगा ना बॉडी शॉट लगेगा। लेकिन हाँ, इतना सोच लो गाइस यार कि तुम लोग को सामने वाला एनिमी पक्का है कि तुम लोग को एकदम चूतिया की तरीके से मार के जाएगा, यानी कि गाइस यार तुम लोग एकदम बेवकूफ की तरीके से मारे जाओगे। एंड ये चीजें मैंने बहुत सारे बंदे लोगों को देखा है कि वो एक्सप्लेन करते हैं, बस इसका लिटरली में गाइस देखा जाए तो गेम के अंदर थोड़ा भी यूज नहीं होता है। तो यस गाइस यार, मैं वही चीजों को कवर करने वाला हूं जिससे लिटरली में गाइस यार तुम लोग एक परफेक्ट लेवल के साथ में वन शॉट भी कनेक्ट करोगे एंड फास्टेड मूवमेंट के साथ में तुम लोग का लैगिंग मूवमेंट बहुत ही इजीली तरीके से दिखाई देगा एंड ऑब्जर्व में तुम लोग का जो बंदा ऑब्जर्व करेगा ना गेम प्ले, लिटरली बता रहा हूं भाई, तुम लोग उसकी फाड़ के रख दोगे। अच्छा यस गाइस यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर तुम लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। A few moments later. अब देखो, अगर लैगिंग मूवमेंट की बात आती है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक चीजों को लेकर। अब देखो, बेसिक चीजों का मतलब ये होता है कि गाइस यार तुम लोग को जहां से लैगिंग मूवमेंट यानी कि मूवमेंट स्पीड या फास्टेड लेवल का वन शॉट कनेक्ट करने के लिए या फिर फास्टेड लेवल का मूवमेंट, तो कुछ ऐसी ऐसी चीजें होती है अपने गेम के अंदर जिसको अगर फॉलो करना बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, बट कई सारे बंदे इसको ऑब्जर्व नहीं करते अपने गेम के अंदर एंड इसका महत्व एकदम मतलब 0% पे लेके चले जाते हैं। बट कहीं ना कहीं से अगर तुम लोग ये सारी चीजों को अपने गेम के अंदर कवर करोगे तो तुम लोग का लैगिंग मूवमेंट ना गाइस यार 100% ही दिखाई देगा। तो सबसे पहला जो आता है सेंसिटिविटी को लेकर। अब देखो, लैगिंग मूवमेंट जैसा कि तुम लोगों को पता है कि मूवमेंट के साथ में लैगिंग मूवमेंट होता है। अब लैगिंग मूवमेंट क्यों होता है और कैसे इसको अपने गेम के अंदर परफॉर्म किया जाता है। अब लैगिंग मूवमेंट तुम लोग का ऐसे ही तभी दिखाई देता है जब तुम लोग ज्यादा ही फास्टली तरीके से मूवमेंट करने के साथ में अपने कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा आना टेढ़ा यानी कि जिगजैग मूवमेंट लाइक कुछ इस तरीके से करते हुए अगर जब भी तुम लोग मूवमेंट करोगे या फिर एनिमी के ऊपर परफॉर्म करोगे तभी गाइस यार तुम लोग का लैगिंग मूवमेंट दिखाई देता है। एंड यहाँ पे अगर तुम लोग इसका रीजन देखोगे तो गाइस यार मेरे क्लिप में कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, बट अगर तुम लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाले बंदे के वीडियो में तुम लोग को लाइक कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, यानी कि पूरी तरीके से गाइस यार लैगिंग मूवमेंट होते हुए दिखाई देता है। यहाँ पे रोल प्ले करता है सेंसिटिविटी का, कि सेंसिटिविटी का क्या इसमें लेन देन है। तो सबसे पहला आता है जनरल सेंसिटिविटी को लेकर। अब देखो, अगर तुम लोग को फास्टली तरीके से मूवमेंट एंड लैगिंग मूवमेंट करना है तो जनरल सेंसिटिविटी ऑब्वियसली सी बात है गाइस यार तुम लोग का फुल होना चाहिए। अब यहाँ पे देखोगे तो मैंने अपनी जनरल सेंसिटिविटी को 100 पे रखा है, जिससे मैं अपने कैरेक्टर को कहीं भी कितनी भी फास्टली तरीके से मूव करता हूं या फिर लेफ्ट या राइट की तरफ से भी अगर टर्न करता हूं ना गाइस यार इजीली तरीके से फास्टली तरीके से मूव होता है। एंड इसका जो सबसे बड़ा रीजन है लैगिंग मूवमेंट का दिखाने का, वो इससे ही सबसे ज्यादा होगा तुम्हारा। यस गाइस यार, ऑलवेज तुम लोग को हमेशा अपनी जनरल सेंसिटिविटी को 100 पे रखना है। एंड नंबर 2, अपने गेम के अंदर कभी भी गाइस यार जब भी तुम लोग वन शॉट या फिर इजीली तरीके से एनिमी को परफॉर्म करते हो या फिर रश मारते हो, तो वैसे टाइम पे जैसे ही तुम लोग मूवमेंट करते रहते हो तो तुम लोग ऑलवेज ये कोशिश करना है कि तुम लोग हमेशा अपने कैरेक्टर को अपने गेम के अंदर बीच बीच में ना गाइस यार ग्लू वॉल जैसे ही परफॉर्म करते हो तो वैसे ही तुम लोग अपने कैरेक्टर को कुछ राउंड सर्कल में लाइक कुछ इस तरीके से मूव करना है। अब यहां पे जैसे मैंने तुम लोग को एरो के निशान दिखा रहा हूं गाइस यार, उसी तरीके से
जैसे ही तुम लोग अगर मूव करते हो ना गाइस सर, तो लाइक कुछ इस तरीके से तुम लोग का कैरेक्टर मूव करते हुए दिखाई देगा। एंड यहाँ पे तुम लोग अगर इसी तरीके से मूव करोगे, यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे मेरी क्लिप में यानी कि मेरी मोबाइल की रिकॉर्डिंग में कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, बट वही अगर सामने वाला बंदा अगर ऑब्जर्व करता है ना गाइस सर, उसको कुछ इस तरीके से लैगिंग मूवमेंट होते हुए दिखाई देता है। एंड इसका जो दूसरा सबसे बड़ा बिगेस्ट रीजन है कि इसकी वजह से लैगिंग मूवमेंट दिखाई देता है। एंड जो तीसरा आता है कि गाइस सर, तुम लोग को जितने ज्यादा बंदे ऑब्जर्व करने वाले होंगे यानी कि जितने बंदे तुम लोग का गेम प्ले वॉच करेंगे ऑब्जर्व में रह के, उतना और भी ज्यादा इजीली तरीके से तुम लोग का लैगिंग मूवमेंट होते हुए दिखाई देगा। अब अगर देखा जाए तो कम से कम अगर तुम लोग को दो बंदे भी अगर ऑब्जर्व करते रहते हैं तभी भी तुम लोग का लैगिंग मूवमेंट और भी ज्यादा दिखाई देता है। एंड यहीं अगर तुम लोग का एक बंदा भी अगर ऑब्जर्व करता रहता है तो तभी भी तुम लोग का लैगिंग मूवमेंट दिखाई देता है। बट कहीं ना कहीं से अगर ज्यादा ऑडियंस तुम लोग के पास होती है या फिर ज्यादा लोग तुम लोग को ऑब्जर्व करते हैं तो ऐसे टाइम पे चांस ज्यादा होता है कि तुम लोग को सामने वाले बंदे को, इससे ज्यादा चांस होता है कि जो तुम्हारा गेम प्ले वॉच कर रहा है गाइस सर, उसके में मोबाइल में लैगिंग मूवमेंट तुम लोग का ज्यादा दिखाई देगा। ये सारी टेक्निक गाइस सर मिला के ना तुम लोग गाइस सर तुम लोग बहुत ही परफेक्टली तरीके से अपना लैगिंग मूवमेंट बना सकते हो। बट यहाँ पे तुम लोग को एक चीज का और ध्यान देना कि कभी भी गाइस सर अपना कैरेक्टर मूव करते समय हमेशा तुम लोग को ये कोशिश करना जरूर है कि तुम लोग अपने कैरेक्टर को लेफ्ट या राइट की तरफ से फास्टली तरीके से टर्न करना, लाइक कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे मेरा समझाने का मतलब यही है गाइस सर कि उतना ही मूवमेंट करना जिससे तुम लोग एनिमी को सामने वाले को कवर कर सको यानी कि उसको मार सको। एंड इतना ज्यादा मूवमेंट नहीं करना है कि जिससे तुम लोग खुद ही मर जाओ, सामने वाले एनिमी तुम लोग को मार दे। तो आई होप गाइस सर कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। एंड वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं गाइस सर नेक्स्ट वीडियो में।